नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नजमा अब्दी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। आचार्य द्वारा बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा में मनुष्य के हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आदेगांव नगर के खेरापति रामलीला मैदान में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 4 फरवरी को कलश यात्रा के साथ आरंभ किया गया, जिसमें नगर के सभी देवी देवताओं का पूजन उपरांत कलश यात्रा निकालकर कलश स्थापित कर श्री धाम वृंदावन से पधारे आचार्य प्रशांत दुबे के द्वारा कथा का आरंभ किया गया, जिसमें श्रीमद् भागवत श्रवण हेतु प्रतिदिन दूर दूर से सुनने वालों का मेला लगा रहा एवं श्रीमद् भागवत कथा का समापन 11 फरवरी को भंडारे के साथ संपन्न किया जाएगा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए सिवनी से विमल चौबे की रिपोर्ट। यमदूतों से वार्तालाप करते हैं कि आप अजामिल को नहीं ले जा सकते, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, इसने अपने अंतिम समय में नारायण नाम का उच्चारण। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।